तो नमस्कार आदाब सत श्री अकाल, मैं दानिश अहमद खान हाजिर है फिर एक खबर के साथ में। दोस्तों इस वक्त पूरे देश के अंदर हिजाब हिजाब और हिजाब ही चल रहा है। आपको बता दें इसको हिजाब को लेकर पूरे देश में प्रदर्शन भी चालू हो चुका है। इस वक्त हमारे साथ में बात करने के लिए मुस्लिम सेवा दल के प्रदेश अध्यक्ष से उनसे जानने के कि इस हिजाब को लेकर उनका क्या कहना है। इस वक्त पूरे देश में हिजाब चल रहा है, इस पर क्या कहना है आपका? हिजाब को लेकर हम लोगों ने माननीय प्रधानमंत्री जी एवं राष्ट्रपति जी के नाम से ज्ञापन भी दिया है। हमारा उद्देश्य यही है कि भारत का संविधान जो डॉक्टर भीमराव बाबर साहब अम्बेडकर ने लिखा है, इसमें सर्व समाज के लोगों को बड़ी सलीमता से अपनी ज़िंदगी गुजारने का अधिकार दिया है। अब हर किसी को ज़िंदगी गुजारने की आज़ादी दी है, लेकिन अगर कौम मुस्लिम पर किसी तरह की कोई प्रतिबंध लगाए जाते हैं, और कर्नाटका में जो हिजाब को लेकर विवाद हो रहा है, जो लोग उस घटना को घट रहे हैं उसके ताल्लुक से हम लोगों ने ज्ञापन में भी कहा, और मैं अभी भी कहने ही चाहूँगा कि वो लोग जो असामाजिक तत्व के लोग हैं, जो किसी धर्म को मानने वाले नहीं है, मैं तो यही कहूँगा कि वो किसी को धर्म को नहीं मानते, अगर वो धर्म को मानते तो ये घटना नहीं घटते, ऐसे लोगों पर सख्त से कार्रवाई की जाए और तुरंत सरकार उनके ऊपर प्रतिबंध लगाए। अगर ये आदेश पूरे कर्नाटक से लेकर कहीं मध्य प्रदेश में भी लागू हुआ तो इस पर क्या? नहीं, मध्य प्रदेश में भी अगर लगता है तो फिर जिस तरह से कर्नाटक में विवाद हुआ है, लोग रोड पर आ गए हैं, मध्य प्रदेश में भी लोग आ सकते हैं। क्योंकि उससे पहले मैं ये कहना चाहूँगा कि जो भारत देश है, ये हमारा मुल्क अमन का मुल्क है, शांति का मुल्क है, और सदियों से यही पैगाम देता आ रहा है कि भारत देश में सर्व समाज के लोग रहते हैं, और सर्व समाज के लोग बड़ी आज़ादी से अपनी ज़िंदगी को गुजारते हैं। अमन अमन का गहवारा है, और गंगा जमुना तहजीब का गहवारा है, यहाँ भाईचारा हमेशा मौजूद रहता है। ये जो हिजाब का मामला है, कोई दुनिया में बना हुआ मामला नहीं है, ये हमारे मज़हब का मामला है, शरीयत का मामला है, और अल्लाह के प्यारे नबी हुजूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने जो पैगाम दिया हिजाब के ताल्लुक से कि औरत पर्दे में रहने वाली चीज़ है और उसको पर्दे में रखा जाए, अगर उसको बेनकाब करने की कोशिश की गई तो ये हमारी जो सामाजिक भावनाएं हैं इसको बड़ा ठेस पहुंचेगा, और इसके लिए फिर मामला ख़राब भी हो सकता है। तो ये थे मुस्लिम सेवा दल के प्रदेश अध्यक्ष, जिनके काफ़ी ज़्यादा मुस्लिमों के अंदर रुतबा है। तो बने रहिए वीडियो के साथ में, पूरी तरह की जानकारी के लिए BNC न्यूज़ के लिए कैमरा पर्सन मोहम्मद अनस के साथ दानिश खान बुरहानपुर।